हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन क्लासेस माय नेम इज़ नीतू आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड क्लास ठीक है इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास की थी आप सभी को पता है कि हमने ज़ीरो से हीरो बैच जो है वो स्टार्ट किया है ये बैच जो है वो बिल्कुल फ्री है बच्चे जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछ रहे थे तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जो है आप मैंशन हैं आप वहाँ से भी जो है देख सकते हो ठीक है आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं वो देख लो भाई मैंने जो है फ्राइडे को फ्राइडे को हमारी क्लास हुई थी ठीक है आज हमारा मंडे है फ्राइडे को क्लास हुई थी आज सॉरी आज मंडे नहीं आज है आज ट्यूसडे है भाई ठीक है ट्यूसडे है तो आज जो हम करने वाले हैं जो मैंने आपको उस दिन थर्ड क्लास की जो हमने पूरी बुक डिस्कस की थी और उसके बीच बीच में जो एक्सरसाइज थी हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज थी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है आ, चार पांच बच्चों ने चार या पांच बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क जो है वो सेंड किया ठीक है तीन बच्चों ने होमवर्क जो है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया और एक बच्चे ने मुझे पर्सनली जो है वो भेजा और बोला कि माम मैं जो है आपको पर्सनली ही भेजूंगी वैसे मैं ग्रुप में नहीं भेजने वाली ठीक है तो मैं सभी बच्चों को बोल दूं जो बच्चे नहीं चाहते जो बच्चे नहीं चाहते कि भाई हम ग्रुप में अपने नोट्स जो हैं वो शेयर करें हम अ, कर ठीक है तो वो जो है आप मुझे इंडिविजुअली भी इंडिविजुअल भी जो है आप अपने नोट्स जो है वो भेज सकते हो ठीक है, है क्योंकि ये सबकी सबकी वो है सबको अपनी नोट्स बनाने हैं क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो आपका फायदा होगा किसी और का नहीं होगा बच्चे सोचते हैं कि भाई उसने नोट्स बना दें हम उसी में काम चला रहे उसी में से कॉपी पेस्ट कर दें तो भाई फिर आगे जब एग्जाम होता है ना तो फिर आप टीचर को गाली देने लग जाते हो कि आपने तो ये नहीं किया आपने वो नहीं किया जब आप सीरियसली सारी चीज़ों को वन बाय वन करके देखोगे ना आप तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ हुआ है ठीक है तो वही है कि ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और ध्यान से तभी पढ़ा जाता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना थ्योरी पढ़ने में इतना इतना नहीं पता चलता लेकिन जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तब आपको पता चलता है कि थ्योरी में ये ये चीजें हुई थी यहाँ यहाँ से चीजें हुई थी तभी जाके जो है आप एक अच्छा एग्जाम में जो है स्कोर कर पाओगे ठीक है तो अभी से ही ऐसे मत करो तीसरी क्लास की बुक है और आप कितने बच्चे हैं भाई कितने बच्चे हैं एक हजार बच्चों ने वीडियो देख ली है और कितने बच्चे हैं सिर्फ चार बच्चों ने होमवर्क भेजा है तो आप सोच सकते हो कि जो आउटपुट है वो क्या है फिर जो है आप सोचते हो कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन हो जाए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब भी होगा आपको एक एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि ये ये चीज़ें हैं ठीक है बाकी आपकी मर्ज़ी है सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ बोल सकती हूँ पर्सनली मैं आप लोगों का होमवर्क चेक कर रही हूँ फिर भी आप लोग नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे हमारा होमवर्क क्योंकि कई बच्चों का जो होमवर्क है कहीं कहीं पर जो है एक दो चीज़ें ऊपर नीचे थी इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जो है हम क्लास जो है लें ताकि जो है जिन बच्चों ने अपना प्रॉपर जो है वो अच्छे से चेक आउट करें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने पर क्लास में हमने जितना किया था, बेसिस पे है। ये जो टेस्ट है ठीक है टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट मिल जाएगा प्लस एक्सरसाइज भी जो है आज ही पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ठीक है प्रॉपर जो है इससे अच्छा तरीका भाई इससे बेस्ट जो है किसी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और फिर भी अगर आप नहीं मेहनत करोगे साथ के साथ तो फिर कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज थी ये आपका पहला चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर था भाई आपका थर्ड क्लास की बुक में कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक था जिन जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हुई थी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं ठीक है की क्या है की को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था जहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं

हाँ जी ये जो हमारा थर्ड क्लास का और जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देखा है इनपुट हो गया प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया ये तीन चीज़ें होती तीन चीज़े हैं तीन मेन चीज़ें हैं भाई आपके कंप्यूटर की जहाँ से जो है आप काम करना शुरू करते हो ठीक है तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस तो भाई ये जो है ये मेन पार्ट भी बताए हुए हैं इनपुट जो है इनपुट में आपका की आ गया प्रोसेस में आपका सी आ गया और आउटपुट में आपका क्या आ गया मॉनिटर तभी जो है क्वेश्चन आता है कि आपका मेन जो है इनपुट डिवाइस कौन सा है कीबोर्ड है या माउस है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि माउस भी इम्पॉर्टेंट है और कीबोर्ड भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो भाई हमेशा जो है पूछे कि कौन सा मेन जो है वो इनपुट डिवाइस है तो हमेशा जो है आप की के साथ जाओगे समझ में आया तो ये बेसिक चीजें हैं लेकिन वही है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों ने नहीं आप लोग सोचो कि अरे यार माउस भी इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड भी इंपॉर्टेंट तो किस पर टिक करें तो यही ये, ये चीजें जो हैं ये आपके यहीं से क्लियर होंगी है ना तो इस तरीके से और आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो है इसका आंसर गिवन है ओके अब हम चल रहे हैं आगे हाँ जी सेकेंड क्वेश्चन है मॉनिटर लुक लाइक अ मॉनिटर जो है वो कैसा है एक एल जैसा होता है टीवी जैसा होता है ठीक है मतलब कई लोग तो जो है मॉनिटर को एज टी की तरह भी काम करते यूज़ करते हैं करते कि नहीं करते ठीक है तो एल सी डी क्या एल आप आजकल बोलते हैं ना एल है तो वो क्या है एक तरीके से टी होती है तो मोनीटर जो है वो किसके जैसा है एल ठीक है समझ में आया इसके बाद देखो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर कैसी मशीन है भाई इलेक्ट्रॉनिक है ये भी बिल्कुल पहली लाइन है भाई आपकी कि भाई कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो बिजली से चलती है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक है इन कंप्यूटर इन स्कूल्स कंप्यूटर यूज टू टीच डैश सब्जेक्ट ठीक है दो वेरियस सब्जेक्ट ठीक है नेक्स्ट देखो वर्सेटाइल मीन्स वर्स वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है वर्सेटाइल का मतलब होता है वेराइटी ऑफ ऑपरेशन क्या होता है वेराइटी ऑफ ऑपरेशन तो ये यहाँ पर आपका हो गया ठीक है तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर में ये पांच आपके फिलिंदा ब्लैंक से नेक्स्ट जो है पांच क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के पूछे गए थे और ये वन वर्ड क्वेश्चन ही है मतलब यही इनमें ही चार जो है आप एम दे दो तो बन गया ऐसे ही जो है आपको ये चीजें आएंगी एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है कंप्यूटर कैन ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या जो कंप्यूटर है क्या वो सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है आप मुझे बताओ क्या हम कंप्यूटर से सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं नहीं लॉजिकल प्रॉब्लम भी तो सॉल्व की जा सकती है ठीक है तो इसलिए जो है ये फॉल्स हो गया यहाँ पर ओनली लगा दिया अगर ये पूछता सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो ये ट्रू होता लेकिन ओनली लिख दिया क्या सिर्फ हम यही कर सकते हैं तो ये गलत हो गया ठीक है माउस माउस इज इज क्लिकिंग क्लिकिंग फॉर ये आपका ट्रू है मॉनिटर इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑब्वियसली जो ये मॉनिटर है आपका ये आप किस लिए यूज करते हो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हो कुछ ना कुछ आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हो ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट देखो बैक स्पेस की इज यूज टू इंसर्ट करेक्टर जो बैक स्पेस की है वो हम करेक्टर को इंसर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं ठीक है अब जैसे ये देखो एक सेकेंड ये है भाई ठीक है मैंने बैक स्पेस दुआया तो क्या कुछ इंसर्ट हुआ जो ब्रैकेट थी वो क्या हो गई डिलीट हो गई ठीक है तो बैक स्पेस जो है वो हमेशा लेफ्ट वाले करेक्टर को डिलीट करता है कौन से वाले करेक्टर को डिलीट करता है लेफ्ट वाले करेक्टर को देखो देखो ये इसका लेफ्ट है और ये इधर वाला इसका राइट right है तो बैक स्पेस की हमेशा किस को डिलीट करती है भाई लेफ्ट को डिलीट करती है ठीक है तो बैक स्पेस जो है वो इंसर्ट के लिए यूज नहीं करते डिलीट के लिए यूज किया जाता है दैट्स वाई ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है कंप्यूटर इज़ वेरी स्लो मशीन कंप्यूटर बहुत स्लो मशीन है तो क्या है? ये सही है आप सभी को पता है ओबली कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है कह तभी तो जो घंटों की कैलकुलेशन uh, होती थी कंप्यूटर ने उसको बहुत ही आसान बना दिया ठीक है तो इसलिए जो है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई फॉल्स हो जाएगा अगर यहाँ पे फास्ट आता तो आपका ये ट्रू होता है यहाँ पर अगर ये डिलीट होता तो आपका ये क्या होता है ट्रू होता ठीक है अब ऐसे चीज़ों से अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ें करना शुरू करोगे ना तो आगे आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ठीक है अपना चेक कर लो भाई जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपना चेक कर लो और जो बच्चे ग्रुप में होमवर्क नहीं भेजना चाहते प्लीज़ मुझे पर्सनली भेजें एटलीस्ट मुझे ये लगे कि भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो हो एटलीस्ट एक हज़ार बच्चों ने वीडियो देखे तो उसका टेन परसेंट तो होना चाहिए है ना यहाँ तो टेन टेन परसेंट क्या मतलब कुछ भी नहीं है चार बच्चे आप देखो चार बच्चों ने होमवर्क भेजा है तो आप देखो कितने परसेंट हो गए यहाँ पे ऐसे मत करो भाई ये आप खुद के साथ कर रहे हो ठीक है चैप्टर टू है चैप्टर टू में जो है क्वेश्चन चैप्टर टू का जो नाम था वो था फन विद पेंट ब्रश ठीक है तो इसमें जो है आपके एम सी क्यू थे ठीक है एम सी क्यू थे उसमें पूछा था डैश इज़ यूज टू फिल एन एरिया विद कलर मतलब आप जो है मतलब ये एरिया आपको जो है कलर करना है तो किस लिए किस चीज़ से करोगे फिल विद कलर ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है डैश अनलार्ज और रिड्यूस द पिक्चर मतलब आपको जो है ये पिक्चर है इसको आपको बड़ा करना है इसको आपको छोटा करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे मैग्नीफाई ठीक है मैंग ठीक है क्लियर है भाई जूम इन जूम आउट देखा था ना उसके बाद देखो डैश इज यूज टू इरेज पार्ट ऑफ द पिक्चर ये जो है पिक्चर है कि आपको इसको क्या करना है इरेज करना है तो आप किसका यूज करोगे इरेजर का ठीक है फिर है डैश इज यूज टू लाइक पेंट spray. आपको जो है इस तरीके से ऐसे 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 स्प्रे करना है तो ये किससे करते हो आप एयर ब्रश है ठीक है अपना चेक कर लेना भाई इसके बाद देखो क्वेश्चन डेस्क क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फोर से थर्ड में से नहीं थे फोर्थ का देखो डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पैरिफ्रल्स ठीक है तो इसमें देखो माउस इज माउस क्या है आपका माउस क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है माउस क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो ठीक है तो मेन तो अगर आपका क्योंकि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं तो माउस क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है सीपी कैन डू सी क्या करता है कैलकुलेशन करता है और मैनिपुलेशन करता है सी क्या करता है कैलकुलेशन करेगा और मैनिपुलेशन करेगा ठीक है नेक्स्ट देखो प्रिंटर कैन गिव द आउटपुट ऑन जो प्रिंटर है वो आउटपुट किस पे देगा भी प्रिंट क्या करवाते हो आप एक पेपर को ही तो प्रिंट करवाओगे ठीक है तो आपका क्या आंसर आंसर आ जाएगा पेपर द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इनपुट डिवाइसेस जस्ट अभी मैंने आप सबको बताया था अगर मोस्ट पूछे तो मोस्ट में हमेशा आप कीबोर्ड का नाम लोगे ना कि माउस का ठीक है इसके बाद देखो डस्टबिन किसे कहते हैं कंप्यूटर का जैसे हमारा कूड़ा कचरा डालने के लिए हम घर में एक डस्टबिन रखते हैं वैसे ही कंप्यूटर में भी जो कूड़ा जो एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं वो हम कहाँ रखते हैं रिसाइकिल बिन में और रिसाइकिल बिन को हम क्या कहेंगे डस्टबिन ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रीसाइकिल बिन नेक्स्ट देखो मैचअप करना है आपको मॉनिटर क्या होता है आपका मॉनिटर क्या है भाई आपका जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था एक आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस ठीक है इसके बाद एक कलर चेंज कर लिया जाए इसके बाद है है बिन बिन जस्ट अभी मैंने बताया था क्या है? आपका डस्टबिन जो आपके घर में कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन होता है वही कंप्यूटर में उसका नाम क्या बन जाता है रिसाइकिल बिन ठीक है सीपीयू क्या है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि सीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप ब्रेन भी कहते हो अपने कंप्यूटर का ठीक है टास्क बार टास्क बार कहाँ पर होती है मॉनिटर की एप्लीकेशन पर ये आपकी मॉनिटर है इसकी एप्लीकेशन उस पर नीचे क्या होती है टास्क बार होती है ठीक है उसके बाद देखो प्रिंट print, प्रिंटर क्या होता है प्रिंटिंग डिवाइस होता है क्या होता है प्रिंटिंग डिवाइस ठीक है अब देखो भाई चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव है आपका एम एस वर्ड तो आप बच्चे कह रहे हैं मैम एम एस ऑफिस करवा दो तो एम एस ऑफिस आप इतना बेसिक से कर रहे हो यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ यहाँ तक करोगे तो आपका जो एम एस ऑफिस है पावर पॉइंट है वर्ड है एक्सेल है अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी यानी कि जो फोर्थ क्लास की बुक है उसके अंदर आपका जो है पावर पॉइंट भी है और आपका एक्सेल भी स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक से आप सारी चीज़ें कर रहे हो और इससे अच्छा जो है आप नहीं कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखो व्हेन वी स्टार्ट वर्ड जब आप वर्ड को स्टार्ट करते, करते हो जब आप वर्ड को स्टार्ट करते हो न्यू ब्लैंक तो अपियर ऑन द स्क्रीन क्या जो है स्क्रीन पे दिखाई देता है एक डॉक्यूमेंट ही तो दिखाई देगा तभी तो बाय डिफॉल्ट जो है वो किससे सेव होता है डॉक्यूमेंट वन से ठीक है तो क्वेश्चन आ जाए बाय डिफॉल्ट जो है वर्ड में किससे सेव होगा भाई डॉक्यूमेंट वन से ठीक है नेक्स्ट देखो कॉपी कॉपी करने के लिए आप क्या यूज करते हो कंट्रोल प्लस सी का पेस्ट करने के लिए क्या यूज करोगे कंट्रोल प्लस वी का ठीक है और ये ये किस लिए होता है ये किस लिए होता है कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो किस लिए यूज करते हैं नेक्स्ट देखो बोल्ड अंडरलाइन बटन जो बोल्ड है अंडरलाइन बटन है ये कहाँ पर, पर होते हैं भाई होम टैब में कहा पर होते हैं होम टैब पे ठीक है इसके बाद देखो डैश इज लोकेटेड ब्लो द टाइटल बार ये क्वेश्चन कई बच्चों ने गलत कर रखा है टाइटल बार के जस्ट नीचे जो है वो कौन सी बार है टाइटल बार है आपकी उसके जस्ट नीचे आपकी कौन सी बार है भाई मेन्यू बार जिसमें आपका फाइल होम ये सब चीज होती है तो क्या होता है ये आपका मेन्यू बार ठीक है तो ये आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है इसके बाद देखो फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन फॉर्मेटिंग फॉर्मेट करना मतलब ये आपका एक टेक्स्ट है इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो टेक्स्ट को कुछ अच्छा दिखाना चाहते हो तो उस पर आप बोल्ड कर सकते हो टैलिक कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो ठीक है बाकी और चीजें हैं लेकिन ये बेसिक है आपका थर्ड क्लास की बुक है तो इसमें आपका जो है बोल्ड करना टैलिक करना और अंडरलाइन करना यही मेन चीजें होंगी ठीक है इसके बाद देखो थर्ड मैचअप करना ठीक है मैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि कट करने का साइन क्या है पेस्ट करने का साइन क्या है कॉपी करने का साइन क्या है ये आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है ठीके? तो देखो ये जो कैंची बनी हुई ना कैंची ये आपका क्या है? क्या है कट करना काटना कैंची से आप क्या करते हो काटते हो तो कट आ जाएगा ठीक है पेस्ट भाई आपने जो है कहीं से चीज़ें काट के यहाँ से चीज़ें काट के और दूसरी जगह पे इसको क्या कर दिया पेस्ट कर दिया तो पेस्ट ये देखो इस तरीके से भाई यहां से आपने डॉक्यूमेंट उठाया और इसके नीचे इसके नीचे यहां पे पेस्ट कर दिया तो देखो ये डॉक्यूमेंट है इसके नीचे आपने पेस्ट कर दिया तो ये दो डबल साइन ठीक है तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा कॉपी कॉपी में दो बार कॉपी मतलब यहाँ पर कॉपी किया और यहीं पर जो है एक जगह और जाके उसको कॉपी कर दिया या फिर सेम जगह पे हमने कॉपी कर दिया ठीक है तो इसलिए दो जगह सेम सेम जो जो है ये डॉक्यूमेंट है ये आपका दो देखो पेस्ट में सिर्फ एक जगह है क्योंकि हमने एक जगह से काट के दूसरी जगह पे उसको पेस्ट किया इसलिए एक ही जो है वो डॉक्यूमेंट है ठीक है कॉपी में हमने एक ही जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी जो है वो पेस्ट कर दिया उसी जगह पेस्ट कर दिया तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या है दो ठीक है और सेव एज ये आपका इस तरीके से कि आपने जो है सेव uh, किया है ठीक है सेव एज नहीं सेव किया अगर आप कुछ भी आपने आपने फाइल बनाए कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाए तो आप उसको क्या करोगे कंट्रोल प्लस एस सेव करोगे सेव किससे करते हो कंट्रोल प्लस एस से ठीक okay. है ओके क्लियर है ये इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन यानी कि चैप्टर जो सेवन था वो आपका था इंटरनेट ठीक है तो गूगल क्रोम आपका क्या होता है गूगल क्रोम जो है वो आपका क्या है भाई एक वेब ब्राउजर है क्या है एक वेब ब्राउजर इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ठीक है सर्च इंजन क्या आपका गूगल ठीक है गूगल क्या आपका एक सर्च इंजन है याहू क्या है आपका सर्च इंजन है इसके बाद नेक्स्ट देखो द वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होती है जी ओ आई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है एनआईसी आई सी स्टैंड फोर एन आई सी स्टैंड करती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है तो ये था भाई आपका पूरा होमवर्क ज़्यादा नहीं था भाई क्या ये ज़्यादा था मतलब अगर आप करते तो दो पेजेस में आ जाता क्या ये ज़्यादा था फिर भी बच्चों ने जो है करना ज़रूरी नहीं समझा अगर मैं एक दिन क्लास डिले लेती हूँ तो मैं बच्चे कहने लग जाते हैं कि मैम आपके ये रोज के बहाने हैं है ना भई मैंने आपको कहा तो कहते हो कि मैम आपके ये रोज़ के बहाने हैं और आप जो है तीन तीन चार चार दिन में भी होमवर्क नहीं करते तो आपके क्या बहाने हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपना खुद तो देखो भाई जो आप में जो जितना मैंने करवाया उतना आप करते नहीं हो उतना आपने किया नहीं है और ब्लेम करने लग, करने लग जाते हो ठीक है इसके बाद टेस्ट क्वेश्चन देखो भाई ये आपका टेस्ट है आज का जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है तो ये इस तरीके से है और टोटल जो है मैं आपको बता देती हूँ कौन सा कितने कितने नंबर का है सब एक एक मार्क्स के हैं जैसे ये पाँच हैं तो ये फाइव मार्क्स का हो गया ठीक है ये चार है तो ये आपका चार मार्क्स का हो गया इसके बाद पाँच और चार नौ और नौ और चार तेरह तेरह और चार सत्रह सत्रह और छः इक्कीस इक्कीस और चार पच्चीस पच्चीस और पाँच तीस तीस और पाँच पैंतीस पैंतीस और ये भी फाइव मार्क्स का ठीक है यानी कि फोर्टी मार्क्स का आपका टेस्ट है कितने मार्क्स का टेस्ट है भाई फोर्टी मार्क्स का आपका टेस्ट है तो चालीस नंबर का है देखते हैं कि कैसे बच्चे कैसे स्कोर करते हैं कितना करते हैं ये टेस्ट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा चालीस नंबर का है तो अपना जो है अच्छे से आराम से जो है टेस्ट देना ठीक है सभी बच्चों को अपना जो है भेजना है पर्सनली मुझे भेज देना ठीक है और चैनल ग्रुप पे भेजना चाहो ग्रुप पे भेज देना अगर ग्रुप पे भेजोगे तो बाकी बच्चे चिटिंग कर लेंगे तो पर्सनली जो है आप मुझे भेज देना ठीक है तो यही छोटी सी क्लास ही भैया आपका एटलीस्ट आपके जो क्वेश्चन थे जिन बच्चों ने गलत किया है जहां पर भी क्योंकि मिस्टेक आप जो है यहाँ पर सुधारो एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए मेन पार्ट ये है क्योंकि आपको जो है सरकारी नौकरी लेनी है और वो इसलिए है कि अभी आप चाहे कितनी भी गलती कर लो आगे जो है गलती नहीं करनी और इसलिए तो लर्निंग है है ना गलती हर किसी होती, से तो होती है मुझसे तो सबसे ज़्यादा होती है ठीक है तभी आप मुझे कहते रहते हो तो भाई गलतियां होती हैं ठीक है तो इसलिए जो है गलतियां यहाँ करो एग्ज़ाम में नहीं तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी समझ में आई होगी टेस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट मैं अभी भेज दूंगी थोड़ी देर के बाद तो शाम तक कर लेना कल जो है ज, जैसे भी आपको टाइम लगे जिस टाइम भी लगे आज रात तक भेज देना ठीक है तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी लग होगी लगी है तो फटाफट -फड़ लाइक कर दो ये कोर्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली ये कोर्स को शेयर कीजिए ताकि स्टार्टिंग से बच्चे जुड़ के अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकें और एग्जाम में जो है एक सरकारी नौकरी ले सकें ठीक है तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें ठीक है तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ क्लास का चैप्टर है ना फोर्थ क्लास की बुक हम पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में अब थर्ड क्लास छोटी सी थी लेकिन फोर्थ जो है वो बड़ी है, है ना तो भाई कल मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू